जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी, बिहार, एमपी, हरियाणा, केवीएस, एनवीएस, अनदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इस मॉडल पेपर से श्योर है कि आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, साथियों, हमने इस मॉडल पेपर में गलतियों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूटन नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन नामक जो फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री, तो उनको कहा जाता था फ्रेंड्स, गति विज्ञान का पितामह कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर राइट डाउन करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? किन्सियोलॉजी की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा में हुई है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा में हुई है, इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग राइट डाउन करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के नियम के लिए किस वैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? जड़त्व का जो नियम है उसकी प्रसिद्धि के लिए बात है, जो फेमस जो हुए उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, गैलीलियो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ज्वाइंट्स का जो अध्ययन है, एनालिसिस, ये किया जाता है फ्रेंड्स आर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइटोलॉजी में किसका किया जाता है? तो ये सेल का किया जाता है, कोशिकाओं का। मायोलॉजी में किसका किया जाता है? तो मायोलॉजी में किया जाता है मांसपेशियों का किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो गति का जो नियम है ये दिया है फ्रेंड्स आइजैक न्यूटन ने दिया है। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक गेंद ऊपर फेंकी जाए तो वह नीचे क्यों आती है? अगर एक गेंद को, बॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हवा में फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों आती है? तो ये आती है फ्रेंड्स, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है उसके अंतर्गत ये नीचे आती है। ओके, गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है? वर्क जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो ये होता है W = F × D, जहाँ पे F बराबर फोर्स होता है और D = डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजेंटल तल कैसा होता है? जो हॉरिजेंटल तल कैसा होता है, चार ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, जल के लंबवत, जल के समानांतर, सर्जिकल एंड इनमें से कोई नहीं। तो हॉरिजॉन्टल तल जो होता है ये जमीन के लंबवत होता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर भी अक्सर पूछा जाता है, 9 नंबर भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम निम्न में से कौन सा है? एक्शन और रिएक्शन का जो रूल है ये कौन सा है, इसमें कौन सा लॉ है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी को अगर थप्पड़ मारते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उतनी ही वेग से हम अपने हाथ को पीछे की तरफ भी खींचते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में।
बाउंड्री लाइन से क्षेत्र रक्षक द्वारा विकेट कीपर के सीधे हाथों में बाल के फेंकने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? बाउंड्री लाइन से जो एरिया है जो वहाँ पर रक्षक खड़ा उसके द्वारा विकेट कीपर के हाथों में सीधे डायरेक्ट फेंकी जाती है, बाउंड्री लाइन के पास जो प्लेयर है तो सीधे उसके हाथों में बाल फेंकने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का जो रूल है वो कौन सा रूल लागू होता है? तो ये फ्रेंड्स लागू होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूटन का दूसरा नियम लागू होगा फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम का नियम किसे कहा जाता है? तो जो मोमेंटम का नियम कहा जाता है ये न्यूटन का दूसरा लॉ कहलाता है, मोमेंटम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस का पूरा नाम बताइए। तो सूर्य सीजीएस का जो पूरा नाम होता है ये होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड होता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों की गति में एबडक्शन किसे कहते हैं? तो जोड़ों की जो गति होती है जॉइंट उसमें एबडक्शन किसे कहते हैं? तो मध्य रेखा के पास अंग को लाना, जब कोई भी जैसे मान लीजिए एबडक्शन है, ये हमारा पैर है, ये दोनों लेग हैं, तो ये जैसे बाहर की तरफ अगर हैं तो जो अंदर मध्य रेखा के पास अंग को लाना, ये सेकेंड ऑप्शन है, मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना, मध्य रेखा जैसे हमारा हाथ पैर है तो इससे ये बाहर की तरफ ले जाना पैर को, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फिसलना एंड चिपकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना, दूर ले जाना जैसे अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाना, ये क्या कहलाएगा? एबडक्शन कहलाएगा। और एडक्शन किसे कहलाएगा? एडक्शन कहलाएगा मध्य रेखा से पास किसी चीज़ को लाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का सूत्र क्या है? चाल का जो फार्मूला है वो क्या होता है? तो दूरी बटे समय होता है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्पष्ट करता है? कौन क्या बोलते हैं जो केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो कौन स्पष्ट करता है? तो ये वस्तु का बीच का कोण, वस्तु का आधार, 90 अंश का कोण, जहाँ वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित हो। तो किसी वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण है जहाँ वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित होता है वही कहलाता है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को किस प्रकार में बांटा गया है? तो जड़त्व के नियम कुल कितने होते हैं? ये कुल दो नियम होते हैं जड़त्व के। कौन सा होता है? एक विराम का जड़त्व होता है, दूसरा होता है गति का जड़त्व होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की संरचना, नाड़ी, तंत्र, मांसपेशी, ज्वाइंट्स आदि के साथ हम भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा उसके सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं? उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की संरचना, जो हमारे नाड़ी तंत्र हैं, मांसपेशी, मसल्स, ज्वाइंट्स आदि के साथ हम भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों का, उसके सिद्धांतों का भी उपयोग में लाते हैं? तो ये फ्रेंड्स कहा जाएगा जैव यांत्रिकी विज्ञान कहलाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है। एक जो प्लेयर है दौड़ते समय अपने बॉडी को क्या करता है? आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकांग करने के लिए, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, शरीर का वजन होने के कारण, पास्कल के नियम के कारण। तो फ्रेंड्स जो प्लेयर है आगे बॉडी की तरफ इसलिए झुका के दौड़ता है क्योंकि केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बॉडी को अपने आगे थोड़ा सा हल्का झुका के दौड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करे क्या कहलाती है। मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का जो समूह की वह जो क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो ये कहलाती है ताकत कहलाती है। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य एवं अभ्यास को कम से कम समय में करने की क्षमता क्या कहलाती है। किसी भी कार्य को कम से कम करने की क्षमता जो कहलाती है फ्रेंड्स, ये गति कहलाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। साथ ही हमने प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर मैंने लगभग 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है। टोटल मैंने 600 क्वेश्चन कराए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेश्चंस हैं अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, अनदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। मैंने उसको सॉल्व किया है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो लगभग 1000 आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नाम से है, तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपका कम समय में एग्ज़ाम में रिविज़न हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 50 गज की दौड़ से क्या मापा जाता है। जो 50 मीटर की गज दौड़ है तो उससे क्या मेजर किया जाता है, तो इससे फ्रेंड्स मेजर किया जाता है चाल को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकत को खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार में बांटा गया है। ताकत को जो स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत कितने प्रकार में उसको डिवाइड किया गया है, तो फ्रेंड इसको कुल 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने गज होते हैं। जो 1 मीटर में कुल कितने गज होते हैं, तो ये होते हैं फ्रेंड्स 0.914 मीटर गज होता है। ये मेजरमेंट आप सभी लोग ज़रूर डाउनलोड करके और आप उसको देखिए, अक्सर पूछा जाता है मेजरमेंट मीटर सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गति और शक्ति का मिश्रण कौन सा है। पूछा जा रहा है क्या, गति और शक्ति का मिश्रण कौन सा है, तो गति और शक्ति का जो मिश्रण कहलाएगा फ्रेंड्स, इसमें विस्फोटक शक्ति कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशियों की लंबाई न बढ़े और न ही घटे मगर तनाव बना रहे। उस अभ्यास को, प्रैक्टिस को क्या कहते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, हमारी जो मांसपेशियों की लंबाई में न तो कोई बढ़ोतरी हो रही है न ही कोई घटोतरी है, लेकिन उसमें तनाव जो है वो बना रह रहा है, तो उसको जो फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं, इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आप जरूर इसको राइट डाउन करें अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, उस काल को क्या कहते हैं। प्रैक्टिस के कारण जो थकान होती है और उसमें एक खिलाड़ी क्या बोलते हैं, उसको फटीक होती है और वो रेस्ट करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती, जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी क्या हो जाती है, तुरंत उसमें रिकवरी हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसको कहा जाता है, ये क्षतिपूर्ति का काल कहा जाता है, जो भी एनर्जी हमारी लॉस हुई रहती है उसको रिकवर करता है इस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का भार साधारण से जटिल रूप में दिया जाता है जाना चाहिए, यह कथन किसके लिए सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, प्रशिक्षित खिलाड़ी के लिए, नौसिखिए के लिए, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर होगा, जो प्रशिक्षण का भार साधारण से जटिल के रूप में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रशिक्षित खिलाड़ी के लिए दिया जाता है और नौसिखिए के लिए दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज
राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील विधि आइसोटोनिक से क्या विकसित किया जाता है? जो आइसोटोनिक है उससे क्या डेवलपमेंट किया जाता है? सहनशीलता, शक्ति, लचकता और चपलता। तो गतिशील विधि जो है आइसोटोनिक से हम लोग डेवलपमेंट जो करते हैं फ्रेंड्स, ये करते हैं शक्ति को डेवलपमेंट करते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो हम लोग जो लोड देते हैं, प्रशिक्षण का भार है वो किस रूप में देना चाहिए? तो ये देना चाहिए फ्रेंड्स, साधारण से जटिल के रूप में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? क्रॉस कंट्री की जो रेस होती है उसमें जो हम दौड़ते हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी वाला मैदान होना चाहिए। क्रॉस कंट्री ऐसी होनी चाहिए जो स्थान क्या बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ जंगली और झाड़ी वाला, क्योंकि उसमें प्लेयर्स उस कंडीशन को जो सामने आती है उसको फेस करता है और उसके अंदर वो क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि कौन है? एंडोरेंस को डेवलपमेंट करने वाली विधि कौन सी है? तो ये होती है फ्रेंड्स फाटलेक होती है, जिसको स्पीड प्ले के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं? एंडोरेंस को डेवलपमेंट करने वाली जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, जिसमें अभ्यास को समसीता उच्च तीव्रता पर करने के पश्चात अधूरी क्षति दी जाती है। क्या अधूरी क्षति की बात हो रही है? तो ये किसमें दी जाती है, पुनरावृत्ति विधि, अंतराल विधि, लगातार विधि एवं कोई नहीं। तो इसमें दी जाती है जो फ्रेंड्स अंतराल विधि, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस विधि को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मंद खिंचाव से क्या स्थिरता विधि का जो प्रयोग है किस विधि को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने के लिए किया जाता है, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हार्ट रेट को मेजर करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड स्ट्रेंथ्रोस्कोप कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? तो ये लगता है फ्रेंड्स रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार अभ्यास करने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अगर कोई भी प्रैक्टिस अभ्यास क्या बोलते हैं बार बार करते हैं तो उस पे निम्न पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने। तो श्वास दर कम हो जाती है, थकान जल्दी आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सही है, श्वास दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी जाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर अगर खेल मैदान स्थित हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? समुद्र तल से जो 2000 फीट के ऊपर अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस पर हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अक्सर ये ट्रेनिंग दी जाती है प्लेयर्स को, तो ऑक्सीजन की कमी एकदम होती है, उपरोक्त गुरुत्वाकर्षण बल की कमी ये भी होती है, हवा के प्रतिरोध की कमी ये भी होती है। तीनों ऑप्शन इसके राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से क्या विकसित होता है? 5 किलोमीटर की अगर हम दौड़ लगाते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या डेवलपमेंट होगा?
तो फ्रेंड्स इससे जो डेवलपमेंट किया जाता है एंड्योरेंस को डेवलपमेंट किया जाता है, सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटअप से क्या विकसित होता है? सीटअप जो हम करते हैं तो उससे क्या विकसित होता है? गति, पेट की मांसपेशियों की ताकत, गर्दन की मांसपेशी की ताकत, हाथों की मांसपेशी की ताकत। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पेट की मांसपेशियों की ताकत के लिए हम क्या बोलते हैं, सीटअप्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तंत्रिका मांसपेशियों से तालमेल न्यूरोमस्कुलर कंडीनेशन बनाए रखने एवं इसको विकसित करने के लिए विद्यालयों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाना चाहिए? तंत्रिका तंत्र को का मांसपेशियों से तालमेल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन से बनाए रखने के लिए, तंत्रिका तंत्र का संबंध किससे होता है? न्यूरोमस्कुलर से होता है, हमारे माइंड से होता है, बनाए रखने तथा इसको क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए। विद्यालयों में जो खेल मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाता है वो कौन सा मैदान होता है? अक्सर आप किसी भी स्कूल में गए होंगे, CBSE बोर्ड के उसका स्कूल में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जरूर एक आपको मैदान देखने के लिए मिलता होगा। तो वो मैदान फ्रेंड्स होता है ये बास्केटबॉल का कोर्ट होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ फ्रेंड्स। साथियों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर के टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी बुक, रूल बुक, फेडरेशन की जो रूल बुक है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं बहुत सारी, सब आपको वहां पे मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? जो हिप्पोक्रेटस है तो इसको किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र का पितामह कहा जाता है वो क्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा का पूरा नाम क्या है? नाडा का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई है 2005 में हुई है, और इसकी जो इंडिया में लेबोरेटरी बनी तो ये 2008 में इसकी लेबोरेटरी बनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राइस से संबंधित क्या गलत है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा जो RICE है इसका जो मतलब पूछा गया है, तो क्या इसमें से गलत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है। तो R फॉर रेस्ट होता है, I फॉर आइस होता है, C फॉर कूल नहीं होता है, और E फॉर एलिवेशन होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। C फॉर क्या होता है? C फॉर होता है कंप्रेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? पुनः स्थापन की बात होती है तो ये किससे संबंधित है? कौशल सीखने में, तकनीक सीखने में, चोट लगने के पश्चात चिकित्सीय प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्स्थापन की बात अगर होती है तो ये कहा जाता है जब भी चोट लग जाती है और जो भी चिकित्सकीय मेडिकल जो प्रोसेस होता है उसको पुनर्अवस्था में लाना, ये क्या कहलाते हैं? पुनर्स्थापन कहलाता है। जैसे चोट लग जाती है फिर उसको हम जो भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर ना उस स्थिति में आ जाते हैं, हम ठीक आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है चोट के पश्चात चिकित्सकीय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों एवं विधियों का प्रयोग करता है। खिलाड़ी जो है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो साधनों का प्रयोग करता है एवं विधियों का प्रयोग करता है तो ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स एर्गोजेनिक एड्स कहलाता है। जो साधन होते हैं क्या कहलाते हैं? एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के दौरान अचानक से मांसपेशी या टेंडन के अधिक अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने
से उसके तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? खेल के दौरान अचानक क्या होती है, हमारे मांसपेशी और टेंडन में अधिकतम सीमा से जो खींच जाती है, जो तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, उसके तंतु क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स कहलाएगा स्ट्रेन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिकित्सा विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? वह कौन सी ऐसी चिकित्सा विधि होती है जिसमें क्या बोलते हैं, मोम का प्रयोग किया जाता है? तो जो पैराफिन बात होता है, इसमें हम लोग मोम का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस उपचार में पानी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा ऐसा उपचार है जिसमें क्या बोलते हैं, पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो जिसमें पानी का प्रयोग करते हैं ये कहलाता है फ्रेंड्स हाइड्रोथेरेपी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो फर्स्ट एड शब्द का जो फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया था, ये फ्रेंड्स किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी का पितामह कहा जाता है एच एन वाल को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बी ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथियों, आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है फिजिकल एजुकेशन की वो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स मिले। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बुक, रूल बुक, फेडरेशन की जो रूल बुक है और जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब आपको वहाँ पर उपलब्ध है। आपको हिंदी और इंग्लिश में बुक भी मिलेंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और भी जो भी आपके पास साधन है, संसाधन है, उसको आप यूज करिए अपने रीडिंग में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।